हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आज की खबर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। वैसे तो राजनीति में रहते हुए भी हेमा मालिनी राजनीति से काफी दूर रहती हैं, लेकिन इस वक्त लोकसभा चुनाव 2019 के नजदीक होने से वो भी एक्शन मोड में आ गई हैं। आपको बता दें कि हेमा मालिनी नामांकन कराने पहुंची, जहां उन्होंने नामांकन कराने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बांके बिहारी के दर्शन भी किए। क्या है पूरा मामला, ये देखते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन मथुरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन भी किए। योगी ने बांके बिहारी मंदिर की विजिटर बुक में संदेश भी लिखा और केंद्र में भाजपा की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें ब्रजवासियों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, वो मुहूर्त देख कर आई है, पूरी पार्टी उनके साथ है। आपको बता दें कि भाजपा ने हेमा मालिनी को एक बार फिर मथुरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस ने महेश पाठक को उम्मीदवार घोषित किया है। सांसद हेमा मालिनी के पक्ष में योगी ने आज जनता से वोट मांगे और यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। मथुरा में 11 अप्रैल को मतदान होना है और नामांकन भरने की आखिरी तारीख 26 मार्च यानी कि आज थी। बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी ने खुद भी हाईकमान से मथुरा की जनता की सेवा करने के लिए एक और मौका देने का आग्रह किया था, जिसे पार्टी संसदीय बोर्ड ने स्वीकार कर लिया और पहली सूची में ही उनका नाम तय कर दिया गया। लेकिन जो एक बात अक्सर होती थी कि कोई सेलिब्रिटी कहीं जाता है तो एक बार चुनाव जीतने के बाद दोबारा दर्शन नहीं होते, और जब मेरे सामने इस पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास के बारे में एक रोड मैप लेकर के श्रीमती हेमा मालिनी जी आई, और केवल आई नहीं, उसके बाद उसे फॉलोअप करने के लिए भी बार बार कैसे विकास के कार्यक्रमों को हम एक नई ऊंचाइयों को यहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को छोड़े बनाए रखते हुए इसके समग्र भौतिक विकास की इस कार्य योजना को आगे बढ़ा सके, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर जो विकास की योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। उनसे मैं क्षमा चाहूंगी कि काम में कभी आगे पीछे होता है, वो इसलिए होता है कि ये गवर्नमेंट का जो काम है थोड़ा सारा बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, इसकी वजह से कभी कभी थोड़ा लेट हुआ होगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ के रोड्स वगैरह इतने खराब थे पिछले कई सालों से, वो सब अच्छा हो गया है और बहुत सारे काम किया है, ये मैं बार बार नहीं कहना चाहूंगी। यमुना की बात आप लोग हमेशा करते रहे, यमुना को शुद्धिकरण करना है, अभी वो अच्छा सा समय आ गया है। गडकरी जी के नेतृत्व में हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इतना सब कुछ किया है गंगा के लिए भी और यमुना के लिए भी, अभी काम शुरू हो गया है। जैसे अभी श्रीकांत जी ने कहा कि बहुत सारा काम क्लियर होने वाला है, आपको यमुना का जो पानी है इतना अच्छा मिलेगा कि आपको आचमन करने के लिए, भगवान को शुद्धि करने में, उनको नहलाने में अच्छा प्योर वाटर मिलेगा। तो लड़ने का था, मैं जरूर कहती हूँ कि अगले बार जरूर सबको बहुत मौका मिलेगा। मैं इस बार थोड़े दिन और रहकर आपके बीच में बहुत मन करता है, वैसे ही जैसा मैं आई थी एक ब्रज की गोपी बनकर, वैसे रहकर आपके साथ रहकर पूरा बदलाव दिखाएंगे, विकास दिखाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसके साथ मेरा भी, मेरी तरफ से भी एक सागर में बूंद बोलते हैं, जैसा ब्रज में थोड़ा भी काम होगा तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब देखना यह होगा कि हेमा मालिनी को लोकसभा चुनाव 2019 में बांके बिहारी के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का भी आशीर्वाद मिलता है या नहीं। ज्यादा जानकारी के बने रही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार द्वारिकेश बर्मन की रिपोर्ट, आज की खबर, लखनऊ।